हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल एसपीडी 999। दिस इज़ विकास और ये एक्सेल का लेक्चर 11 है, जिसमें हम लोग पेज लेआउट टैब के बारे में समझेंगे। तो पेज लेआउट टैब में पेज सेटिंग और प्रिंटिंग की सेटिंग से रिलेटेड सारे ऑप्शंस हैं, तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो ये हमने एक डेटा शीट बना रखी है और पेज लेआउट में हम देख रहे हैं यहाँ पे पेज सेटअप ऑप्शन है। तो एक्सेल की शीट तो बहुत बड़ी है, बट जब हम प्रिंट करते हैं तो हमारे पास A4 साइज का पेपर होता है या फिर कुछ और साइज के पेपर मार्केट में आते हैं। तो हमें ये देखना है कि एक्सेल अपनी इस पूरी शीट में से कितने एरिया को एक पेज मानता है। तो उसके लिए हम कंट्रोल F2 करते हैं। कंट्रोल F2 करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू ये दिखाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मली यहाँ पे 1 से लेके 8 तक जो कॉलम है और यहाँ नीचे 1 से लेके 30 तक के जो कॉलम हैं वो प्रिंटिंग में आ रहे हैं। यानी ये इसकी नॉर्मल सेटिंग है जो डिफ़ॉल्ट पहले से लगी हुई है, यानी यहाँ तक का डेटा प्रिंटिंग में आ रहा है। तो एक्सेल इतने को एक पेज मान रहा है, नीचे 30 तक। अब जैसे हमें यहाँ कुछ और कॉलम प्रिंटिंग में चाहिए, हमारा डेटा 8 तक नहीं है, 10 तक है, 12 तक है, 15 तक है, इसको हमें एक ही पेज में प्रिंट करना है। तो यहाँ पे जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है 8 तक, इसको हम थोड़ा बहुत और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जो मार्जिन एरिया ज़्यादा दिख रहा है इसको थोड़ा कम कर देंगे तो वो एक दो कॉलम को और प्रिंट कर सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे कम करेंगे। पेज सेटअप पे यहाँ पे जाते हैं और यहाँ देखिए मार्जिन एरिया यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे जाके आप कम कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे जैसे हमने इसको कम कर दिया, 0.5 कर दिया, कुछ मिनिमम रख देते हैं ऐसे। यहाँ पे हमने 0.5 कर दिया। टॉप और बॉटम का भी हम कम कर देते हैं, 0.5 रख देते हैं। तो इस तरह से हम मार्जिन सेट कर सकते हैं। कुछ हेडर फुटर के लिए एरिया छोड़ा हुआ है, उसको भी चाहें तो कम कर सकते हैं। उसके बाद ओके कर देंगे। तो ये पेज की सेटिंग हमें कुछ बढ़ा के देगा। अब हम कंट्रोल F2 करते हैं, यानी प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रो है वो 33 हो गई है, 3 रो इसने बढ़ा लिया है, और जो कॉलम है वो 10 तक। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पेज में जो मार्जिन एरिया है, गैप है, वो थोड़ा कम हो गया है। तो इसका आउटपुट देखने में थोड़ा सा ऑड लगेगा। तो एक प्रोफेशनल और एक अच्छा लुक देने के लिए हम थोड़ा सा मार्जिन एरिया छोड़ के रखते हैं। बाकी हम मैक्सिमम चाहें तो ऐसे प्रिंट करा सकते हैं, और अगर चाहें तो हम कॉलम का साइज़ थोड़ा थोड़ा कम कर दें। अगर हमारे इस कॉलम में वैल्यूज़ कम हैं तो हम इस तरह से कॉलम का साइज़ थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हैं, और ऐसे भी हम एक दो कॉलम एक्स्ट्रा एडजस्ट करके यहाँ पे मैक्सिमम प्रिंट ला सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कुछ का साइज़ कम कर दिया, अभी देखते हैं कंट्रोल F2 करके। तो आप यहाँ पे देखेंगे 11 नंबर का कॉलम भी यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से हम पेज की सेटिंग कर सकते हैं थोड़ी सी, बट ये भी देखना होता है कि हमारा आउटपुट थोड़ा सा सही आए, फॉर्मल आए। तो हम एक मार्जिन एरिया भी सेट करके रखते हैं और कॉलम का साइज़ भी हमें सही चाहिए होता है। तो एक पेज में जितना डेटा आएगा उतना हम रखेंगे, उसके बाद हम दूसरे पेज पे प्रिंट कर लेंगे। बट अगर हमें सारा मैटर एक ही पेज पे चाहिए तो उसका भी हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इस पे 100% डिफ़ॉल्ट नॉर्मल साइज़ दिया है। अगर आप सारा मैटर फिट टू एक ही पेज पे करना चाहते हैं तो आप एक पेज पे कर सकते हैं। तो फिट टू पे हम 1 सेट करके और ओके करके देखते हैं क्या होता है। इसके बाद कंट्रोल F2 करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जितने मैक्सिमम कॉलम यहाँ पे थे और जितनी मैक्सिमम रो थी जहाँ तक हमने वर्क किया था, वो सब इसने यहाँ पे समेट के एक ही कॉलम में, एक ही पेज में रख दिया है। तो यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है कि सारा का सारा डेटा एक ही पेज में लाने के लिए इसने डेटा को कुछ श्रिंक कर दिया है। तो इस तरह से हम एक पेज में भी डेटा ला सकते हैं, लेकिन ये सारा डेटा श्रिंक करेगा, और भी ज़्यादा डेटा हो सकता है, तो फिर वो डेटा बहुत छोटा आएगा, तो प्रिंट आउट जो आएगा उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वहाँ पे हमने जो स्केलिंग बढ़ाई थी आप देख सकते हैं, वही स्केल टू फिट यहाँ पे भी दिया हुआ है। यही सेटिंग वहाँ पे लगी हुई है पेज सेटअप के अंदर, यहाँ पे देखेंगे तो ये स्केलिंग का ऑप्शन है। जबकि एडजस्ट टू में क्या होता है कि एक नॉर्मल साइज सेट कर दिया जाता है जो कि नॉर्मल 100% होता है। तो 100% में जितना मैक्सिमम आता है, जैसे कि 8 हमने देखा था, और कॉलम का साइज़ थोड़ा बहुत बढ़ा देंगे तो 10-11 तक ये मैक्सिमम एक पेज में डेटा रख लेता है। तो वही स्केलिंग हम लोग यहाँ से भी सेट कर सकते हैं कि इसकी हाइट के हिसाब से मैक्सिमम कितने पेज ये रखे। जैसे हम हाइट के हिसाब से मैक्सिमम 9 पेज इसके एक पेज में रख सकते हैं, और ऐसे ही विड्थ के हिसाब से मैक्सिमम 9 पेज हम इसके एक पेज में रख सकते हैं। तो इस शीट के 9 पेज एक साथ एक पेज में प्रिंट हो जाएंगे जो हम प्रिंटिंग के लिए लगाएंगे। इसके अलावा ग्रिड लाइन व्यू यहाँ पर लगा हुआ है। तो ग्रिड लाइन व्यू क्या है, इसके लिए मैं यहाँ से सेलेक्शन करके पहले इसमें जो बॉर्डर लगी हुई है उसको हटा देता हूँ। तो यहाँ मैंने नो बॉर्डर कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे एक्सेल में जो सेल बनी हुई है इनमें एक लाइनिंग दिख रही है आपको, इन लाइनिंग से ही सेल रो कॉलम बने हुए हैं, इन्हीं को ग्रिड लाइन कहते हैं। तो ये ग्रिड लाइन आप यहाँ से शो हाइड करा सकते हैं। अगर आप हटा देंगे तो ये नॉर्मल पेज की तरह दिखेगा, मैटर तो रहेगा।
और ऐसे ही ये प्रिंट में नहीं आती हैं, आपने देखा होगा कभी डेटा अगर आप लेते हैं तो बॉर्डर लगानी पड़ती है, अदरवाइज ये प्रिंट में नहीं आती हैं। लेकिन आप बॉर्डर नहीं लगाना चाहते और इन्हीं ग्रिड लाइंस को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इस पर टिक कर दीजिए, तो ये ग्रिड लाइंस की प्रिंटिंग देने लगेगा, आप इसको देख सकते हैं। इसके साथ अगर आप इनकी हेडिंग को शो हाइड कराना चाहते हैं तो यहाँ से शो हाइड करा सकते हैं, और अगर इसको प्रिंट भी करना है तो आप प्रिंट कर सकते हैं। इस पर क्लिक किया हमने कंट्रोल F2 करके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए रो की हेडिंग्स और कॉलम की हेडिंग ऊपर प्रिंट होकर के आ रही हैं, जबकि नॉर्मली नहीं आती हैं। प्रिंटिंग के लिए आप जो पेज देते हैं उसका ओरिएंटेशन कैसा रहे, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, तो वो यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। पेपर का साइज़ है A3, A4, लीगल लेटर साइज़ जो आपको मार्केट में मिल रहा है जिसमें आप प्रिंट निकालने वाले हैं, वो साइज़ यहाँ से सेट कर सकते हैं। वैसे कई बार हमें अपना आउटपुट ओरिएंटेशन चेंज करके निकालना होता है, यानी हमें यहाँ पे लैंडस्केप में चाहिए होता है, तो जब आप लैंडस्केप करते हैं तो आपकी रोज़ कम प्रिंट में आती हैं लेकिन कॉलम ज़्यादा आते हैं। तो जैसे आप चेंज करके देखिए, अभी आपका आउटपुट एक बार चेक करते हैं कैसा आ रहा है, 10 कॉलम आ रहे हैं और 30 रोज़ आ रही हैं। और जैसे हम इसका ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं, लैंडस्केप कर देते हैं, तो अब यहाँ पे चेक करते हैं कंट्रोल F2 करके, कॉलम यहाँ पे 13 आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे रोज़ 22 आ रही हैं, क्योंकि अब हमारी जो टेबल है वो हॉरिजेंटल आ रही है। तो लैंडस्केप का भी हम कई बार यूज़ करते हैं अपने आउटपुट को बेहतर बनाने के लिए। और यही चीज़ें आपको यहाँ पेज सेटअप में भी मिलती हैं, पेज में मार्जिन में मार्जिन मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा हेडर फुटर, ऐसा मैटर जो हर पेज के टॉप में चाहते हैं उसको हम लोग हेडर कहते हैं, और जो पेज के बॉटम में चाहते हैं उसको फुटर कहते हैं। तो कुछ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ, जैसे पेज 1 आप चाहते हैं हर एक में लिख करके आए, या बुक 1 या शीट 1 ऐसा, या आपके जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम लिख करके आए तो हर एक पेज में ये प्रिंट होकर के आएगा। आप मैनुअली अपने हिसाब से कोई हेडर देना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके दे सकते हैं, लेफ्ट में, सेंटर पे और राइट सेक्शन में क्या है, यहाँ से डेट और टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। ये सब MS वर्ड में ऑप्शंस ऑलमोस्ट हम लोगों ने पढ़े हैं, पावर पॉइंट सभी जगह में होते हैं, तो आप यहाँ से क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पेज नंबर आ जाएगा, यहाँ पे डेट टाइम आ जाएगी, या फिर इसकी जगह कोई हेडिंग आप देना चाहते हैं कि हर पेज पे आए, जैसे हमने यहाँ पे अपना नाम दे दिया, और राइट सेक्शन में हम कुछ और दे देते हैं, डेट टाइम दे देते हैं, ओके कर देंगे। ऐसे ही फुटर एरिया में हम कुछ चाहते हैं तो यहाँ फुटर पे जा करके क्लिक कर देंगे और यहाँ पे एक हेडिंग दे देंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। और जब आप ओके करेंगे तो यहाँ एक्सेल में हेडर फुटर लग जाएगा। खास बात यह है कि यहाँ नॉर्मल व्यू में एक्सेल का हेडर फुटर दिखाई नहीं देता, लेकिन वो लगा हुआ है, जब आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए विकास सिंह, यहाँ हेड में पेज नंबर इधर दिख रहा है। अब क्योंकि मार्जिन हमने बहुत कम रखा हुआ है, टॉप बॉटम में कुछ एरिया नहीं है, इस वजह से वो दिख नहीं रहा है, तो हम थोड़ा सा मार्जिन कम करते हैं, यहाँ पे जा कर के नॉर्मल लगा देते हैं। इसके बाद देखते हैं, इसने कुछ मार्जिन बढ़ा लिया होगा तो अब हमारा हेडर फुटर सब दिखाई देने लग जाएगा। तो ये प्रिंटिंग में लगा हुआ है, दिखेगा आपको यहाँ प्रिंट प्रीव्यू में दिखेगा, लेकिन यहाँ नहीं दिखेगा नॉर्मल में। या फिर आपको देखना है तो पेज लेआउट व्यू होता है, उसके लिए आप व्यू में जाएंगे और यहाँ पेज लेआउट पे क्लिक कर देंगे, तब भी ये पेजेस में डिवाइड कर देता है पूरी शीट को, तो आप यही देख पाते हैं कि एक पेज में कितने कॉलम और कितनी रो आ रही हैं। और यहाँ पे आप हेडर फुटर भी देख पाते हैं। इसके बाद ये पेज नंबर पड़ा हुआ है, 1 यहाँ पे है और फिर 2 नीचे होगा, उसके बाद 3 ऊपर है, फिर 4 ऐसे, फिर साइड में इधर ऊपर 5 होगा, फिर उसके नीचे 6। इसके बाद हम इसको नॉर्मल कर देंगे, जिसमें हम नॉर्मली वर्क करते हैं, तो ये नॉर्मल व्यू में आ जाएगा। ऐसे ही आप बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो यहाँ बैकग्राउंड में क्लिक करेंगे, वर्क ऑफलाइन कर दीजिएगा, तो यहाँ से आपके सिस्टम की इमेजेस खुल जाएंगी। कोई इमेज आप यहाँ लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, लेकिन ये जो इमेज आप यहाँ पे लगाएंगे वो प्रिंटेबल नहीं होगी, प्रिंट होकर के नहीं आती है, सिर्फ यहाँ शीट में दिखाई देती है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में पिक्चर लगेगी, लेकिन आप इसको प्रिंट में देखने की कोशिश करें तो ये प्रिंट में नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रिंटेबल नहीं है। यहीं पर क्लिक कर देंगे तो ये डिलीट भी हो जाएगा। यहाँ पे पेज ब्रेक ऑप्शन है मैनुअल पेज ब्रेक करने के लिए, जैसे आप चाहते हैं अपने हिसाब से कि यहाँ से पेज ब्रेक हो जाए, तो आप यहाँ पे कर्सर रख करके और यहाँ जाके इंसर्ट पेज ब्रेक कर देंगे, तो यहाँ से पेज डिवाइड कर देगा। ये देखिए, इसको ये एक सिंगल पेज मानेगा, इसके बाद ये इधर वाला दूसरा पेज हो जाएगा, ऐसे करके डिवाइड कर दिया इसने। तो ये मैनुअल पेज ब्रेक है, आप कंट्रोल F2 करके देख सकते हैं कि यहाँ सिर्फ 9 तक ही प्रिंट होकर के आ रहा है, क्योंकि हमने पेज ब्रेक कर दिया था। और यहीं ब्रेक में जा करके रिमूव पेज ब्रेक कर देंगे तो ये हटा देगा और नॉर्मल सेट कर देगा। इसके अलावा हमारे पास प्रिंट एरिया ऑप्शन होता है, जैसे कई बार हमें बीच में कोई डेटा लिखा हुआ और उसको प्रिंट करना है, ये यहाँ पे हमने कुछ मैटर चेंज कर दिया,
अब यहाँ पे देखिए, जैसे बीच में ये डेटा है, ये इसमें से कुछ डेटा आपका पेज वन पे है, कुछ टू पे है, और आपको सिर्फ इतना ही चाहिए, बाकी एरिया नहीं चाहिए। तो हम यहाँ प्रिंट एरिया में जाएंगे और इस पे जाके सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देंगे, तो ये इतना एरिया सेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लाइन बन के भी आ रही है जितना सेट किया हुआ है, और आप इसको प्रिंट प्रिव्यू करके देख सकते हैं कि सिर्फ इतना ही प्रिंट होकर के आएगा, बाकी एरिया प्रिंट नहीं होगा। इसके बाद जब हम प्रिंट ले लेंगे तो इस प्रिंट एरिया को क्लियर करना है, हम यहीं पे जाएंगे प्रिंट एरिया में और क्लियर प्रिंट एरिया कर देंगे, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास प्रिंट टाइटल ऑप्शन है, और इस ऑप्शन को हम लोग यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, शीट में मिलेगा आपको पेज सेटअप के अंदर। इसका मतलब होता है कि आप टॉप रो को, यानी अपने हेडिंग रो को रिपीट करना चाहते हैं हर पेज में, या फिर आपने कॉलम में हेडिंग बना रखी है तो हर कॉलम को रिपीट करना है। तो पहले रिपीट रो देख लेते हैं, इस पे क्लिक करके हमने बता दिया कि हमारी हेडिंग रो कौन सी है, ये वाली है, और ओके कर दिया। तो ये हर पेज पे रिपीट होगा, और इसको देखने के लिए हम व्यू से ले लेंगे पेज लेआउट, तो ये पेज डिवाइड कर देगा। आप नीचे आकर के देखेंगे 1 2 3 ऊपर भी है, और 1 2 3 नीचे के पेजेस में भी आपको मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे भी 1 2 3 4 मिल रहा है, क्योंकि हेडर रो है, टॉप रो है, तो वो हर पेज पे रिपीट होती रहेगी। जितने भी पेजेस यहाँ पे बनते चले जाएंगे, आप जैसे उस पेज पे पहुँचेंगे तो उस पे वो हेडिंग दिखने लगेगी। तो यही है रिपीट हेडर, और टॉप रो को हमने रिपीट किया, और ऐसे ही यहाँ पे ऑप्शन जो है कॉलम वाला, तो आप उससे कॉलम को रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम कॉलम को हेडिंग बनाते हैं। तो यहाँ रो को हम हटाएंगे और यहाँ पे रख करके कॉलम को बना देंगे हेडिंग, तो यहाँ ये वाला फर्स्ट कॉलम है, ओके करेंगे। तो अब हर एक पेज में ये देखिए फर्स्ट वाला जो कॉलम है उसको ये रिपीट करता रहेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टॉप रो या फर्स्ट कॉलम को रिपीट करना, टाइटल को रिपीट करना। इसको यहाँ व्यू से नॉर्मल कर लेते हैं, और इसके बाद पेज सेटअप में यहाँ पे आपको मिल जाएगा शीट ऑप्शन में ग्रिड लाइंस, वही ग्रिड लाइन को लगाने हटाने के लिए। इसके अलावा अगर आपने शीट में कलर दे रखा है, फॉर्मेटिंग है, और आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटआउट चाहते हैं तो यहाँ पे लगा सकते हैं। ड्राफ्ट क्वालिटी क्या है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ ग्राफ वगैरह इंसर्टेड हैं और आप ग्राफ को प्रिंट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ड्राफ्ट क्वालिटी में ग्राफ प्रिंट नहीं होगा। मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। ये जैसे हमारी शीट में ग्राफ इंसर्ट किया है हमने, कुछ चार्ट वगैरह, और आप एक बार इसका प्रीव्यू देख लीजिएगा। जैसे हमने कंट्रोल F2 किया तो यहाँ पे देखेंगे कि ये प्रिंट में दिखा रहा है कि ये चीज़ें प्रिंट में आएंगी, लेकिन कई बार हम चाहते हैं कि इन्हें प्रिंट में नहीं चाहते हैं, रखा रहे पेज में लेकिन प्रिंट ना आए, तो हम यहाँ पेज सेटअप में जा करके शीट में ड्राफ्ट क्वालिटी लगा देते हैं और ओके कर देते हैं। तो अभी ड्राफ्ट क्वालिटी लगा के ओके किया, कंट्रोल F2 करके आप देखेंगे तो ये प्रिंट में नहीं दिखाई देंगे, इसका मतलब ये प्रिंट में नहीं आएंगे। बाकी शीट में जो ऑप्शंस हैं, वही रो कॉलम को आपको हेडिंग प्रिंट करनी है, नहीं प्रिंट करनी है, और यहाँ पे डाउन देन ओवर, अभी आप देख रहे थे कि फर्स्ट पेज उसने ऊपर वाले को बनाया था और नीचे वाले को सेकेंड, फिर उसके आगे ऊपर वाले को थर्ड और उसके नीचे वाले को फोर्थ, तो ये उसी को चेंज करने के लिए कह रहा है कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि पहले टॉप वाले को वन करे, उसके आगे वाले को टू, फिर नीचे आए उसको थ्री, इसको फोर, ऐसे सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं पेज का, तो वो आप यहाँ से बदल सकते हैं। बाकी ये वही ऑप्शंस हैं ऑब्जेक्ट्स को अप डाउन करने के लिए, एक साथ ऑब्जेक्ट जैसे दिए हूँ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, वैसे हर जगह यहाँ पे बताता रहता हूँ इनको, कि एक साथ कई ऑब्जेक्ट आपने दिए हुए यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ लेआउट में आप देखेंगे, जैसे फर्स्ट वाले को हम बैक में भेजना चाहते हैं तो सेंड बैकवर्ड कर सकते हैं या सेंड बैक कर सकते हैं। तो सेंड बैक करने से क्या होगा, एक साथ सबके पीछे चला जाएगा, जबकि सेंड बैकवर्ड का मतलब है एक एक करके पीछे जाएगा। जैसे ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं तो एक के ऊपर आएगा, ब्लू वाले के ऊपर आ गया, ब्लैक के नीचे है, फिर एक बार करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। तो यही है, एक एक करके ऊपर नीचे भेजना हो या एक साथ नीचे भेजना हो। ये रोटेशन का ऑप्शन है, रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, ये अलाइनमेंट के लिए है। एक साथ ऑब्जेक्ट सिमिलर टाइप के दिए हों, जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा साइज़ कम कर लेते हैं, इसका साइज़ बढ़ा देते हैं, और इसके बाद कंट्रोल के साथ इन तीनों को सेलेक्ट करते हैं, फिर जाते हैं यहाँ अलाइन ऑप्शन पे। तो अगर हम लेफ्ट अलाइन लगाते हैं तो इन तीनों को लेफ्ट में अलाइन कर देगा, और ऐसे ही राइट अलाइन कर देते हैं तो राइट में अलाइन कर देगा, सेंटर में अलाइन कर देगा, इस तरह के ऑप्शन है। और अगर वर्टिकल दिया हुआ है डेटा आपका, तो टॉप, मिडिल और बॉटम के हिसाब से कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड रो, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम, इक्वली, तो सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा हाफ हाफ में। तो इस तरह के ऑप्शंस हैं अलाइनमेंट से रिलेटेड, ये आप करके देख सकते हैं। स्नैप टू ग्रिड देखिए क्या है, ये मूवमेंट के लिए होता है कि एक ग्रिड एरिया इतना बनाता है ये, इस पर क्लिक कर दीजिए। जब आप इसको मूव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक बार में थोड़ा सा मूव होता है कि स्पेस लेकर के,
यानी बहुत स्मूथ मूवमेंट नहीं है, ये जंप करता है थोड़ा थोड़ा करके, तो इसी को स्नैप टू ग्रिड बोलते हैं। कि ग्रिड एरिया एक छोटा सा एरिया होता है बॉक्स, और इस सेल का काफ़ी छोटा एरिया, उतने एरिया को ये एक साथ जंप करता है। तो अगर आप बहुत थोड़ा सा मूवमेंट कराना चाहते हैं तो फिर आप नहीं करा पाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी एरिया एक साथ मूव कर रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पेज सेटअप और स्केल टू फिट और शीट के सारे ऑप्शन ऑलमोस्ट देख लिए हैं। यहाँ पे आप एक बार और देख सकते हैं पेपर का साइज, लेटर और प्रिंट क्वालिटी कितनी रहे। 600 dpi मतलब डॉट्स पर इंच, ये प्रिंटिंग क्वालिटी की यूनिट है। और यहाँ पे देख सकते हैं मार्जिन में जैसे सेंटर ऑन पेज, तो हॉरिजेंटली आपका जो प्रिंट आउट आएगा सेंटर पेज पे आएगा, और वर्टिकली आएगा वो सेंटर पेज पे आएगा। इसको आप करके देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि इतना एरिया हमने प्रिंटिंग के लिए सेट किया, तो यहाँ से सेट प्रिंट एरिया पे लगा देते हैं। और इसको अभी आप नॉर्मली प्रिंट करके देखेंगे तो ये कहाँ पे आएगा, ये इधर आ रहा है। तो हम चाहते हैं पेज के सेंटर में आए, तो सेंटर में कहाँ, लेफ्ट, और सेंटर यहाँ पे आएगा। और ऐसे ही पेज में टॉप, मिडिल और बॉटम, तो वर्टिकल अलाइनमेंट जो है वो सेंटर करेंगे तो पेज में यहाँ पे आएगा। वर्टिकल का मतलब होता है टॉप, मिडिल, बॉटम, और हॉरिजेंटल का मतलब होता है लेफ्ट, सेंटर, राइट। तो आप यहाँ पे जाएंगे पेज सेटअप में और वर्टिकल लगा देंगे यहाँ पे, और हॉरिजेंटल लगा देंगे। तो हॉरिजेंटली भी सेंटर में चाहिए और वर्टिकली भी सेंटर में चाहिए, तो ये बिल्कुल पेज के सेंटर में आ जाएगा, ये देखिए। सो गाइज, इस तरह से ही हमने पेज सेटअप ऑप्शन भी यहाँ पे कर लिया हुआ है। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, और कोई डाउट है तो कॉन्टैक्ट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग फार्मूला टाइप स्टार्ट करेंगे और फार्मूलाज पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।